नमस्कार साथियों, तो चलिए हम लोग आज से बात करने वाले हैं कक्षा छठवीं की एनसीईआरटी की पृथ्वी हमारा आवास के नाम से जो आपकी बुक्स है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। याद रखिए कक्षा छठवीं की आपकी दो एनसीईआरटी पहले भी हम लोग खत्म कर चुके हैं। कौन कौन सी? पहली थी आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग एक और दूसरी थी आपकी हमारा अतीत फर्स्ट। और इन दोनों बुक्स से संबंधित आपके जितने भी लेक्चर बने हुए हैं वो सभी एनसीईआरटी किताबों का पूर्ण कवरेज के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं। तो चलिए पृथ्वी हमारा आवास है इस बुक्स के चैप्टर देख लेते हैं हम लोग विषय सूची कि हम लोग पढ़ेंगे क्या आखिर। तो ये कक्षा छठवीं की है याद रखना है। पहला हमारा चैप्टर रहेगा इसमें सौर मंडल में पृथ्वी, दूसरा रहेगा ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियां, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, छठवां है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, सातवां है हमारा देश भारत, आठवां है भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, ये है आपके 8 चैप्टर याद रखना है आपको। ये हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर इन्हें खत्म करेंगे। याद रखिए फिर से बता देता हूं कि कक्षा 8वीं तक की जो भी आपकी एनसीईआरटी लिखी गई है एनसीईआरटी बुक्स बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई है, इसलिए या तो आप लोगों के पास जो भी सुविधा हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि लेक्चर ही सुनिए, लेक्चर ही जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपके पास अगर किताबें उपलब्ध हैं तो उसे एक दो बार पढ़ लीजिए, अगर नहीं है तो आप लोग लेक्चर एक दो बार सुन लीजिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इसमें समझाने लायक ज्यादा कुछ है भी नहीं है, और जो समझाने लायक है वो मैं बता दूंगा जितनी मेरी कोशिश रहेगी हर संभव, ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए। तो इससे पहले हम लोगों ने जो खत्म कर चुके हैं वो आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, तो अगला चैप्टर हमारा रहेगा इसमें सौर मंडल में पृथ्वी।